हाँ, तो आपने प्रश्न को अच्छे से देख लिया, आशा करते हैं समझ भी लिए होंगे। तो इस प्रश्न में दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि छात्रावास का जो मासिक व्यय है वो एक नियत है, और दूसरी भाग जो है भोजन पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिनों तक भोजन किया। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए जो है हम सबसे पहले मान लेते हैं। तो माना नियत व्यय बराबर एक्स तथा अतिरिक्त व्यय बराबर वाई रूप। तो प्रश्न से नियत व्यय छात्र एक के लिए x रुपया तथा एक दिन का भोजन का व्यय 2 रुपया है। तो इस अनुसार 20 दिन का भोजन का व्यय जो होगा वो 20 बाई होगा। जब दोनों को मिला लेते हैं, नियत व्यय और भोजन का व्यय, तो 1000 रुपया जो है विद्यार्थी ए द्वारा अदा किया जाता है। विद्यार्थी ए द्वारा 1000 रुपया अदा किया जाता है। तो इसको करते क्या है कि x प्लस 20y बराबर 1000, इक्वेशन फर्स्ट मान। फिर पुनः विद्यार्थी बी के लिए जो है नियत व्यय 1 रुपया तथा वह भोजन जो है